खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का दो छुरी दे दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। भोजन जीने की आई बहार, पिया जी जलवाले हैं। जलजीरा दही मिला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। हाथों का दो छुरी दे दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। आप देख रहे हैं साधना टीवी। रंग न जानो बालक बारी को रूप न जानो, बालक बारी को रूप न जानो, बालक बारी को रूप न जानो, बालक बारी को रूप न जानो। गोरो 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 गदन पसर गई रे तुम्हारी गुजरिया, सोवत शाम जगाए गई रे तुम्हारी गुजरिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला।
सारी दुनिया झुकती है, सारी दुनिया झुकती है मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, पिछले जन्म के सभी भक्तों से निवेदन है जो भी यहाँ वहाँ जा रहे हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान मंत्रासीन हो रहे हैं, आप सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठे, सद्गुरुदेव भगवान मंत्रासीन होने वाले हैं, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जन्म के कर्म के जहाँ सारी दुनिया झुकती है, सारी दुनिया झुकती है मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जग के झूठे नाते खाना सच्चा प्यार कही, दिल को आकर चैन मिले है वो वाली दरबार यही, सतगुरु जिनको मिल गया ऐसा, सतगुरु जिनको मिल गया ऐसा कोई हुआ ना होगा इस जैसा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला,
कोई पिछले जन्म के करम मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। बोले सभी गुरुदेव भगवान की। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात कक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाई शिवराण शमुगाद निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती हो रही है। हे तेरे शीश में तो है और मुकुट तेरे शीश पे तो है। प्यारी प्यारी बंशी सब जग को है, मेरे बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से नीली है गंगा प्यारी, चरणों से नीली है गंगा प्यारी, पावन कहती दुनिया सारी, पावन कहती दुनिया सारी। इन चरणों में शीश झुकाओ, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरे रसिक बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। शांति 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 शांति
हस्ते पुष्पाणि मादाय मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्मदेवा स्थानि धर्माणि बृहमन्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देव हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बोले भागवत भगवान की श्रद्धा सर्वेश्वर भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम नमस्ते श्री भगवती राधाया कुंठ में धसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुञ्जस्थम गुरुरूपम सदा भजे यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुरजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरसागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृतं करोतु यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रशुद्धां सञ्जीवयत्र किल शक्तिधरा शुभाम्ना अन्यांश हस्तचरणशरणत्तगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्रह्लाद नारद पराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीश सुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुकुमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिं भूतानहं परं भागवतान्नमामि श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभुतिं वीराधरं नारदं नन्दादित्यगुरुं च द्वादशगुरुं श्रीश्रीनिवासादिकां वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् पुरस्वं दुसंख्यायुतान् श्रीव्यासादरिमध्यगा च परितः सर्वान् गुरुं सादरम् हे निम्बार्कदयान्विधे गुणमुधो हे भक्तचिन्तामणि हे आचार्य शिरोमणि मुनिगणै राम्भिज्ञपादाम्बुज हे श्रीस्पिशिपालक प्रभवन हे नाथ मायाधिपे कन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरीकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमक्तिकङ्करतले वेणुकरी कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सुललितम् कण्ठे च मुक्तावलि गोपा स्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्युषावहै ॐ शान्तिः 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 भक्त भक्त भगवन्त गुरु
चतुर नाम बसु किनके पदवंदन किए नासत भी नयने नासत भी नयने जय जय देव हरि कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि दिन मणि मंडल मन मंडल के भवत मंडल के मुनि जन मानस हम जय जय देव हरि मुनि जन मानस हम जय जय देव हरि काली विश्वधर कंदन जन जय यत तुल कमल निज जय जय देव हरि यत तुल कमल निज जय जय देव हरि मधुर नर विनाशन के करुणाशन के सुर कुल के दान जय जय देव हरि सुर कुल के दान जय जय देव हरि अमल कमल दल लोचन के भवमोचन के त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरि त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरि जनक सुतात भूषण के चित दूषण ये समर समित दश कंठ जय जय देव हरि समर समित दश कंठ जय जय देव हरि अभिनव जल धर सुंदर ऋत मंदर ये श्रीमुख चंद्र जगो जय जय देव हरि श्रीमुख चंद्र जगो जय जय देव हरि सब जरणी भिड़का वयमिति भाव जगी गुरु कृष्ण प्रणवेश जय जय देव हरि गुरु कृष्ण प्रणवेश जय जय देव हरि श्री जय देव कविता गुरुदेव दो मंगल मोज्वल गीत जय जय देव हरि मंगल मोज्वल गीत जय जय देव हरि सिद्ध कमला कुछ मंगल के रित कुंडल के ललित ललिता वनमाल जय जय देव हरि ललित ललित वनमाल जय जय देव हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमणी
श्री गोविंद श्री राधारमण गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे भगवान की आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री गिरिराज महाराज की वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की मुरब्बा जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की भगवान की सब संतन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः भगवान सत स्वरूप है चित स्वरूप है आनंद स्वरूप है इस संसार का सृजन पालन और संहार श्रीहरि का कार्य है आज भौतिक आज दैविक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं वंदन करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम जैपायनो विरहता चरया जुहावा तन्मयतया करवो हि मे दुःखं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ लौकिक वैदिक किसी भी प्रकार का कर्म संपादित नहीं हुआ अकेले ही संन्यास लेकर वन में जा रहे थे पुत्र विरह से व्यथित श्री व्यास जी महाराज हा पुत्र कहते हुए उनके पीछे जा रहे थे आत्मा स्वरूप में तन्मय होने के कारण भगवत स्वरूप में तन्मय होने के कारण सुखदेव जी के प्रतिनिधि के रूप में बिच्छू ने व्यास जी को उत्तर दिया ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के नमस्कार वंदन अभिनंदन नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य कथामतिम् कथामत रसास्वाद कुशल सौलभ ब्रवी नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महाम नैमिष क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि
एक यज्ञ का अनुष्ठान किए। उस यज्ञ में महामति सूत जी आए, कथा रसपान के रसिक हैं शौनक जी, उन्होंने सूत जी से पूछा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हम आपसे कथा सार सुनना चाहते हैं, ऐसी कथा जो कानों को प्रिय लगे, हृदय को आनंद प्रदान करे, जन्म मृत्यु की परंपरा को नष्ट करे। हम लोगों के सामने एक भय रहता है जन्म और मृत्यु का। इस जगत का सबसे बड़ा भय जन्म और मृत्यु है, और जन्म मृत्यु के भय को केवल भगवान ही नष्ट कर सकते हैं, दूसरा नष्ट करने वाला कोई नहीं। तो उनसे शौनक ऋषि कहते हैं कि आप वो कथा सुनाएं जिससे भव रोग दूर हो जाए। चिंता मलिन लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार की चिंता को नष्ट करते हैं, कल्प वृक्ष स्वर्गीय संपदा को प्रदान कर सकता है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, उसको योगियों के लिए जो अलभ्य है दुर्लभ है परम पद वैकुंठ उसकी प्राप्ति हो जाती है। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, संसार सागर से पार जाने का जो सरल सरस सुगम उपाय है आप उसको हमें सुनाएं बताएं। सूत जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, काल व्याल मुखोग्रास त्रास निर्णास हेतरे श्रीमदभागवतम शास्त्र कलौ कीर्ण भाषण। कल काल के त्रास से मुक्त होने के लिए, काल व्याल से छूटने के लिए सुखदेव जी ने एक कथानक कही है राजा परीक्षित से, उसी कथा को मैं आपसे सुनाऊंगा। भवरोग की वो रामबाण औषधि है, लेकिन ये इतना सुलभ नहीं है। जन्मांतरे भवपुण्यम तदा भागवतम मते, जन्म जन्मांतर का पुण्य जब संचित होता है तब भागवत कथा में रुचि जागृत होती है, सुगम नहीं है। अनेक जन्मों में हम साधना करते हैं, उन संपूर्ण साधनाओं का परिपाक है श्रीमद् भागवत। ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी श्रीमद् भागवत दुर्लभ है। राजा परीक्षित है को कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी तैयार हुए, उसी समय परीक्षिते कथावक्तुं सभायां संस्थितेषु के सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। राजा परीक्षित एक ब्राह्मण के साप से शापित हुआ, आमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा के तट पर बैठे। वहां पर सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने भागवत की कथा प्रारंभ की। उसी समय देवलोक से देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहां पर आए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा, ब्राह्मण ये हम लोग स्वर्गीय सुधा लेकर आए, किस लिए? राजा परीक्षित को पिला दिया।
इनको सांप लगा है, सर्प डसेगा, इनकी मृत्यु होगी। अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, लेकिन इसके बदले हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? हमको भागवत अमृत चाहिए। जो तुम लोग कथामृत के बदले स्वर्गामृत दे रहे थे, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। क्वा सुधा क्वा कथालो के क्वा कांचा क्वा मणि महा, जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार स्वर्गामृत की और कथामृत की तुलना नहीं हो सकती है। जो स्वर्ग का अमृत है दीर्घ जीवन प्रदान कर सकता है, लेकिन जो भागवतामृत है ये जन्म और मृत्यु की परंपरा को नष्ट कर देगा, ये दिव्य जीवन प्रदान करेगा, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। इस राजा परीक्षित इसके अधिकारी हैं, तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जानकर ये भागवत के अधिकारी नहीं है भगा दिया, जाओ तुम लोग। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन हां सुखदेव जी ने हम लोगों को भागवत कथा का अधिकारी नहीं माना, उन्होंने हमें भगा दिया। आखिर ये भागवत ऐसी क्या वस्तु? कहे कि 7 दिन प्रतीक्षा करो, उसके बाद ज्ञात होगा कि भागवत क्या चीज है। 7 दिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कथा श्रवण के अनंतर दिव्य विमान में बैठकर दिव्य रूप धारण करके राजा परीक्षित भगवान के धाम को गए। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राज्ञो मुख्यम तथा विक्षु पुरा भाता विस्मृतम सत्यलोके तुलाम्बद्धा तोलिय साध्यनान। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, एक पलड़े पर कल्याण के जितने साधन हैं, भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, सबको एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े के ऊपर भागवत को रखा। लेकिन धन्य है भागवत लघुन नन्यानिजातानि गौरवेण इदम्। भागवत का ही पलड़ा भारी, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये जो साप्ताहिकी विधि है, सप्ताह श्रवण विधि कुमार तस्य भाषित, सबसे पहले संकादिकों ने नारद जी को सुनाया है, तो सौनक जी को शंका उत्पन्न हुई। लोक विक्रम मुक्त नारदा स्थिर विधि श्रमिक प्रीति संयोग पुत्र कैसा। नारद जी लोक विक्रम से रहित है, उनका चित्त स्थिर नहीं रहता है, वो भ्रमणशील है, एक जगह नहीं रुकते हैं। 7 दिन तक एक जगह रुककर उन्होंने विधि विधान के साथ कथा का श्रवण कैसे किया, पूरी कथा आप हमें सुनाए। श्रुत ही कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मना सत्संगार्थम समायाता दब्य सुस्तत्र नारदम। एक बार सनकादिक भगवान सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में आए, वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी का चित्त उदास है, खिन्न मानस है, उन्होंने नारद जी से पूछ दिया, इदानीम शून्य चित्तोषि यद्भुतो यथा जन। नारद जी आप कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे, आपका चित्त अभी शून्य सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी कृपण का धन खोज। नारद जी ने सुनाना प्रारंभ किया, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं वैकुंठ लोक से मृतलोक में आया, इसलिए भ्रमण करने के लिए। कहां कहां भ्रमण किया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध गया, श्रीरंग गया, सर्वत्र गया। फिर आपने क्या देखा,
कहीं सत्य नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। संसार के समस्त जीव अपने उदर पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं। सबकी बुद्धि मंद हो गई है, संत लोग पाखंडी हो गए, विरक्त परिग्रही हो गए, तरुणी प्रभुता गेही श्याल को बुद्धिदायक। घर में युवतियों का राज्य है, तरुणी जैसा कहती है, स्त्री जैसा कहती है, पुरुष वैसा ही करता है। श्याल को बुद्धिदायक, जो बुद्धि प्रदाता है वो साले है। इस तरह कलिकाल ने संपूर्ण संसार को आवृत कर लिया है। आश्रमा यवनै रुद्धः तीर्थानि चरितस्तः देवता यत नान्यत्र दुष्टहि नष्टानि भूरिशः। आश्रमों के ऊपर, तीर्थों के ऊपर यवनों का अधिकार हो गया है। नास्तिक लोग तीर्थों में निवास करने लगे, दुष्टों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रह कली दावा नलिन्याद्य साधनम भस्मतम। अब कोई योगी नहीं रह गया, कोई सिद्ध नहीं रह गया, कोई सदाचारी सत्कर्म करने वाला नहीं रह गया। कलिकाल ने सबको नष्ट कर दिया, सब जितने साधन थे कल्याण के सब नष्ट। अट्टा शूला जनपदः शिव शूला द्विजातीय कामिन्य केश शूलिन्य संभवन कला। कृषक लोग बाजार में अन्न बेचने लगे। एक परंपरा रही होगी, पहले सतयुग आदि में लोग अन्न को बेचते नहीं थे, इसलिए कह रहे हैं कि कलिकाल में कृषक लोग अन्न बेचेंगे, ब्राह्मण लोग धन लेकर वेद पढ़ाएंगे। अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातीय और स्त्रियां व्यभिचार प्रवण हो जाएंगे। इस तरह कलयुग ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इस प्रकार में कलयुग के दोषों को देखते हुए जमुना के पावन तट पर आया। एवं पश्चन कलिर्दोषान पर्यटन नवनी महम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे। मैं जमुना के किनारे आया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक ज्योति है, उस ज्योति के पास दो वृद्ध पुरुष सो रहे हैं, बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। मैं उस मार्ग से जा रहा था तो उसने मुझे रोका। बोलो साधु क्षण तिष्ठा मत चिंता मत नाश। संत जी ठहरिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। इस जगत में भगवान ने संतों को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है कि जगत के जीव जब चिंतित हो जाए, चिंतातुर हो, तो आप उनकी चिंता को नष्ट करें। अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात संत से कोई छिपाता नहीं, प्रकट कर दे। उसने रोका, पूछा महाराज ठहरिए, हमारी चिंता को दूर कीजिए। संतों का जो दर्शन है संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया। नारद जी रुक गए और उन्होंने पूछा देवी मत देवी सविस्तार शुष्य दुखस्य कारण। देवी अपने दुख का कारण बताओ, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, ये तुम्हारे पास जो दो वृद्ध पुरुष हो रहे हैं ये कौन है, ये स्त्रियां कौन है।
तो उसने बताना प्रारंभ किया अहम भक्ति रीति क्या था ई मऊ में तनयऊ बताऊ ज्ञान वैराग्य नामानंद काल युगे नजर गये। मेरा नाम भक्ति है, ये हमारे दोनों पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, नाम इनका ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये जर्जर मैं उत्पन्ना द्रवड़ी साहम वृद्धिम कर्नाटक के गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ और जब गुजरात में आई गुर्जर देश में आई वहां आते मैं बूढ़ी हो गई और हमारे ये पुत्र भी बूढ़े हो गए। वहां से चलकर मैं वृंदावन में आई, जब वृंदावन में आई वृंदावनम पुनः प्राप्त नवी नेवा शुरू करो, वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गया लेकिन वे हमारे जो दोनों पुत्र हैं इनका वृद्धत्व दूर नहीं हुआ। उठती जरठा माता तरुण कन्यारी, संसार में देखा जाता है कि माँ बूढ़ी होती है और बेटा जवान, लेकिन यहाँ व्यतिक्रम है, उल्टा है, मैं जवान और मेरे बेटे बूढ़े। नारद जी ने समझाया देवी ये कलिकाल का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य को चाहने वाले वृंदावन में नहीं मिलेंगे, वृंदावन प्रेम भूमि है, भक्ति की भूमि है, ये धन्य है वृंदावन। वृंदावन से संयोगा पुनः तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम पुनः भक्ति नृत्य, धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति ही नृत्य करती है। आइए वृंदावन की महिमा के संबंध में एक हमारे संगीताचार्य के श्रीमुख से वृंदावन को बात भलो जहाँ पास वही यमुना पटरानी जूझन माए के ध्यान धरे वैकुंठ मिले किनकूर जिरा चारों वेद वधानी तेरे सब संत मुनीष महाप्रभु ज्ञानी यमुना यम दूतन तारत है भव तारत है श्री राधे करानी मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मेरा 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 मन पंछिए चाहे उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज के पावन कलियों राधे राधे गाऊं ब्रज के पावन कलियों राधे राधे गाऊं। मोर मुकुट पीतांबर धारी कल वैजंती माला घोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा के आला मोर मुकुट पीतांबर धारी कल वैजंती माला
घोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा गंगे आला बांके बिहारी गिरिहारी कोई पेड़ को लाला या लीला से बल बल जाए ब्रज के गोपी वाला युगल चरण जब नीरज नीरज के युगल चरण जब नीरज नीरज के जीवन सफल बनाओ ब्रज के पावन कली राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मेरा देरा देगाओ श्यामा श्यामा गाओ मेरा मन पक्षी ये चाहे उड़ वृंदावन जाओ ब्रज के उन पावन कली राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ सेवा कुंजन जीवन में आवे इसके गिरा बिहारी रास रंगावे राधा के संग गले गले बहिया डारी सेवा कुंजन जीवन में आवे इसके गिरा बिहारी रास रंगावे राधा के संग गले गले बहिया डारी राधा रमण रमण रेती बंती बटकी छिरारी कुंज में संत विराजे कोई राधे तुझ प्यारी यमुना में स्नान करो मैं यमुना में स्नान करो और यम की गाथ मिटाऊ पावन गली राधे राधे गाऊ राधे राधे गाऊ मैं श्यामा श्यामा गाऊ मेरा राधे राधे गाऊ मैं श्यामा श्यामा गाऊ मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊ ब्रज की उन पावन गली राधे राधे गाऊ मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊ ब्रज की उन पावन गली राधे राधे गाऊ मेरा राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मेरा राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ तेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाओ प्रकीर्ति पावन गली राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा श्यामा जय वृंदावन के महिमा के संबंध में रसिक सम्राट श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार जद्यपि मिलय कोटि चिंतामा तदपि न हाथ पसार विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु तुम निहार जय श्री भट्ट धूल धूसरतन यह आशा उर्धार रे मन वृंदा विपिन निहार यदि करोड़ों चिंतामणि मिले वृंदावन के बाहर तो हाथ मत फैलाना यदि भगवान ही दर्शन देने के लिए तुमको वृंदावन से बाहर बुलाएं तो मत जाना वृंदावन में एक दिव्य निधान रहता है राधा सुधा निधि में एक सुंदर श्लोक वृंदा निसर्व महता मपहाय दूरा वृंदा कवि मनुष्य प्रणय रचित सप्तारणी कृत सुभाव सुधार सौहम राधा विधान में दिव्य निधान मस्ति अपने
मन को समझा रहे हैं राधा सुधा नीति का कि मन कल्याण के जितने साधन हैं, मुक्ति के जितने साधन हैं, सबको दूर से छोड़कर वृंदावन की ओर चलो। वहां ऐसी कौन सी वस्तु, वहां एक अलभ्य वस्तु है, दिव्य वस्तु कौन, राधा श्री किशोरी। ये वृंदावन धाम ऐसा है जहां पर परात्पर प्रभु को भी हाथ जोड़कर सेवा के लिए याचना करनी पड़ती है। यत्किं करीष बहुशः खलुकाक वाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमणिः तस्याः कदरिष कदा रसनिधिः शुभानुजायाः तत्केयी कुञ्ज भवनांगण मार्जनीषा। एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए गए, दरवाजे पर सखियों ने रोक दिया, ठहरी भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है, जाने दो, नहीं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि देवी अंदर जाने की आज्ञा प्रदान करो, वहां कोई कार्य नहीं है। सखियों ने उत्तर दिया, मैं सबसे नीच कार्य कर सकता हूं, श्री किशोरी के कुंज भवनों में उनके आंगन में झाड़ू लगाने की भी सेवा कर सकता हूं। ये कौन बोल रहा है, प्रातपर पुरुष शिखंड मौली भगवान श्री कृष्ण। ये वृंदावन अधन्य है, ये ब्रह्म रुद्र शुकनारद भीष्म मुख्य ही आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य शब्दो वशी कर्ण चूर्ण मनंत शक्ति श्री राधिका चरण रेणु महम अस्मरामि। ब्रह्मा आदि देवता भी जिस परात्पर पुरुष को सहसा नहीं देख पाते, उन परात्पर पुरुष को वश में करने के लिए वृंदावन में एक चूर्ण है। वो कौन सा चूर्ण है, श्री किशोरी का चरण रज। भगवान श्री कृष्ण उस रज से शीघ्र वश में हुआ। धन्य है वृंदावन, हमारे रसिकों ने वृंदावन के संबंध में नाना प्रकार की बातें कही है, उत्कृष्टता का महानता का वर्णन किया है। श्री सूत जी कहते हैं कि ये कलिकाल है, राजा परीक्षित ने कली का वध क्यों नहीं किया, तुमने पूछा। नारद जी ने कहा कि सारग्राही थे, कौन राजा परीक्षित, क्या सारग्राही, न मया मारणीयम सारंग सारभूत। राजा परीक्षित भ्रमर के समान सारग्राही थे, वो जानते थे यत् फलम नास्ति तपसा न योग्य न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कृतना। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से नहीं प्राप्त होता है, वो कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कली का वध नहीं किया। कलिकाल में संसार के समस्त वस्तुओं के सार को नष्ट कर दिया। विप्रय भागवती वार्ता गेही गेही जने जने कारिता प्रलोभो न कथा सारस्ततो गत। ब्राह्मण लोग घर घर में अर्थ संचय के लिए, धन संचय के लिए भागवत की कथा कहते चलेंगे, इसलिए भागवत का सार नष्ट हो गया। अत्युग्र भूरि कर्मण नास्तिका रंगवाजन तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गत। तीर्थ में नास्तिक रौरवि जन निवास करेंगे, उग्र कर्म करने वाले निवास करेंगे, इसलिए तीर्थ का सार चला गया। काम क्रोध महालोभ कृष्णा व्याकुल चेतसः ते प्रतिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गत।
काम क्रोध लोभ आदि से ग्रसित होकर लोग तपस्या करेंगे, इसलिए तपस्या का सार चला। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव पुत्र शोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडित लोग कलिकाल में मुक्ति के साधन में कुशल नहीं होंगे, वो केवल पुत्र उत्पन्न करने में कुशल होंगे। इस तरह कलिकाल का वर्णन किया नारद जी ने। भक्ति के सामने भक्ति ने हाथ जोड़कर स्तुति किया, आपका मिलन हुआ, आपके मिलन से मेरी चिंता मेरा दुख नष्ट हुआ, स्तुति किया, प्रार्थना किया, जयति।